ये उतार देते हैं ना वार्मर को, गर्मी नहीं लगेगी फिर इसको। मैंने ये बोला था ये पहन लो, लेकिन वार्मर उतार दो। चीकू आप क्यों रो रहे हो बेबी? चीकू व्हाई आर यू क्राइंग? बताओ पापा को, क्योंकि मम्मा गंदा बना रही है। बेबी क्या बनाने को कह रखा दिया? जोर से बोलो ना। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा रोहित व्लॉग्स। हाय चीकू गाइस। तो अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, एंड पीछे आप इस इंसान को देख सकते हो हेलो गाइस, जिसने अभी तक बात भी नहीं लिया है। हम बहुत गंदे हैं। बिकॉज़ आज संडे है, मैंने तो बात वगैरह ले लिया, पूजा भी कर दी, ब्रेकफास्ट भी सबका हो गया। सो अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, थोड़ा काम है, एंड उसके बाद देखते हैं कहीं जाएंगे थोड़ा चीकू को लेके, बिकॉज आज संडे है ना, तो हस्बैंड की भी छुट्टी आज ऑफ है, तो बच्चे का थोड़ा मन होता ही कहीं ना कहीं जाने का। चीकू कहाँ जाओगे आप? कहाँ जाओगे घूमने घूमने? और आज चीकू ने यूनिकॉर्न पहना है। सो बाकी देखते हैं क्या होता है पूरा दिन अभी तक। एंड मॉर्निंग में तो मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई थी, कुछ भी करने का मन ही नहीं था, बट तबीयत खराब हो या कुछ भी हो करना पड़ता ही है सब कुछ। तो अभी मैं हम लोग जा रहे हैं बाहर, चले ना, पहले तुम चेंज तो कर लो। तो चलो फिर अभी हम जाते हैं बाहर, मिलते हैं आपसे बाहर जाने के बाद। बाहर जाने के बाद बाय बाय। बाय बाय, सी यू, आती हूँ 2 मिनट। मारना नहीं, सिर्फ डराना है। चीकू मेरे हेयर क्यों खराब कर रहे हो आप बार बार? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लग रही है। आज अभी आगे से दिला देंगे। तो अभी एक्चुअली हम लोग गए थे क्लिनिक पे, बट वहाँ पे इतनी ज़्यादा वेटिंग है कि अभी 1 घंटे की वेटिंग है, तो अब 1 घंटे तो हम लोग वेट नहीं कर सकते थे वहाँ पे। तो उन्हें नंबर दे दिया, जब वेटिंग ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम वापस जाएंगे। मम्मा पे कितने बजे बुलाया? बुलाया है 12:30 बजे। हाँ तो 12:30 बजे अभी हमें जाना है दोबारा। तो अभी हम कहाँ जाएंगे फिर? अभी जाएंगे सरप्राइज वाली जगह पर। किसके लिए सरप्राइज? चीकू के लिए। नो, सरप्राइज मेरे लिए है। मेरे लिए? नो, इट्स फॉर मी, इट्स फॉर मी। पापा ही खाएंगे मेरे, आपके लिए मेरे का। ओके सो चलो फिर देखते हैं कौन सी सरप्राइज वाली जगह है। यहाँ हम आ गए हैं अपने सरप्राइज वाली जगह पे। आप देख सकते हो ये है भारत दर्शन पार्क, ये अभी न्यूली जो है ओपन हुआ है, एंड ये वेस्ट दिल्ली में है। जो भी वेस्ट दिल्ली में रहते हैं उनको डेफिनेटली पता होगा इसके बारे में। ये अराउंड 2-3 मंथ्स पहले ही ओपन हुआ है, एंड हम इसमें फर्स्ट टाइम विजिट करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं कैसा रहेगा एक्सपीरियंस। एंड ये है टिकट काउंटर, यहाँ से आप अपनी टिकट खरीद सकते हैं। आते ना अंदर क्या, फिर उसके बाद आइसक्रीम खाएंगे। वो देखो चिकू, ये नीचे देखो शैडो। तो यहाँ से है एंट्रेंस स्टार्ट, हम जो है अंदर एंटर कर लिया है हमने, एंड आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा व्यू है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आई थिंक ये पैरट है या पता नहीं क्या है, कोई बर्ड है। सो इट्स वेरी गुड, ये काफी बड़ा लग रहा है ना? एंड
गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो भी मतलब बना हुआ है, जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं, ये सारी ही वेस्ट मटेरियल से बनी हुई हैं, जिसको भी ना पता लगे कि ये क्या है क्या नहीं। सो आप यहाँ पे जो है, यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है सब कुछ अच्छे से, सो आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता लग जाए कि क्या बना हुआ है ये। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मटेरियल यूज्ड। सो आप देख सकते हो मतलब किन किन चीज़ों से, मतलब इन्होंने कितना इन्वेंट अच्छा करा है, मतलब हम तो लोग सोच भी नहीं सकते इस चीज़ के बारे में जो इन चीज़ लोगों ने बनाया है यहाँ पे। यहाँ पे चल रहा है फोटो सेशन चीकू का, उसके डैडी कर रहे हैं फोटो क्लिक। एंड ये है सेटिंग एरिया, ग्रीनरी आप देखो कितनी अच्छी है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी यहाँ पे, जैसे काफ़ी लोगों को नहीं पता लग पाता है कि ये क्या बना हुआ है क्या नहीं है, सो जिससे कि लोगों को पता लग सके, इन्होंने हर एक जगह पे जो है डिस्क्राइब करने के लिए, वो जो मैंने आपको दिखाए थे, मैं उनको मतलब नहीं बोल पा रही उनको क्या कहते हैं, मतलब हाँ इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं आप, वो दे रखी है कि आप पढ़कर अच्छे से जो है पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, किन चीज़ों से बनी हुई है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, कहाँ का ये मॉन्यूमेंट है, सो ये सब आप पता कर सकते हैं। बिल्कुल कुतुब मीनार जैसा लग रहा है। चीकू तो फुल ऑन एंजॉय कर रही है। यहाँ पे तीन चार जगह जो ऐसे स्पॉट बन रहे थे जहाँ पर आप कॉफ़ी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह एंड कुछ भी वेफर्स वगैरह बाय कर सकते हो खाने के लिए। सो ये भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये चीज़। एंड देखिए यहाँ पे वाटर के लिए भी बनाया हुआ है कि आप पानी यहाँ से पी सकते हैं। ग्रीनरी तो आप पूछो मत, मतलब बहुत ही बढ़िया ग्रीनरी करी हुई थी। तुमने मास्क उतार दिया? जगह तो अच्छी है पर गर्मी है अभी आज। चीकू अपना भागने में लगी हुई है। चीकू कम फास्ट, रन करते, रन रन कम। बहुत ही खूबसूरत सारी ये, मेरे को लग रहा है धर्म से रिलेटेड सारा बनाया है। एंड यहाँ पे लिटिल बिट म्यूजिक का भी साउंड आ रहा है। ये कितना अच्छा लग रहा है। चीकू ये जैजे थोड़ी है।
पर कोई नहीं, अच्छी बात है ना, उसको जय जय लग रहा है। आओ इधर फोटो क्लिक करवाएंगे, जल्दी आओ आओ। यहाँ पे लो फ्लावर्स का, बिकॉज शी लव्स फ्लावर। इधर देखो पापा को, लुक एट डैडी। चीकू फ्लावर को ऐसे सिर्फ टच कर लो, चीकू ऐसे लग रहा पॉटी। बहुत ज्यादा है यहाँ पे, बहुत अच्छा है, लेकिन ग्रीनरी होनी चाहिए। एंड चीकू को तो हर जगह मंदिर लग रहा है, आवाज मारने की रोटी मार, इसको हर जगह मंदिर दिखाई दे। गाइज आप सब भी जो नियर बाय रहते हो पंजाबी बाग या पश्चिम विहार, जो वेस्ट दिल्ली में रहते हो, वो डेफिनेटली विजिट करना, यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्लेस है, बहुत ग्रीनरी है, मस्ट विजिट प्लेस है ये। काफी सोच समझ के सारी डिजाइन्स बनाई गई हैं। एंड चीकू को हर जगह बस मंदिर वाली फील आ रही है। साइड रख दो उसको। धीमी म्यूजिक की जो आवाज आ रही है ना, पता नहीं कहाँ से आ रही है, आई थिंक स्पीकर्स लगे हुए हैं, बहुत प्यारी धीमी धीमी आवाज आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। ये मेनली ग्रीनरी के उससे ही बनाया गया है। हाँ इसमें से आ रही है। भगलो यहाँ से चीकू, चुपचाप चीकू भगलो यहाँ से, वरना अभी गार्ड आ गया ना। यार मत करो, वो समझेंगे हमने ही तोड़ा है। जगह जगह जो है स्टॉल्स भी बनाए हुए हैं खाने पीने के लिए, है ना। इधर वॉशरूम है, हाँ लिखा हुआ है पिकॉक। बनाया हुआ है ये, काफी ज्यादा इनोवेटिव है ना चीज, कि इन्होंने मोस्टली पता है वेस्ट से सामान यूज किया हुआ है यहाँ पे, ज्यादातर वेस्ट से चीजें यूज करी हैं। सो ब्यूटीफुल ये एलिफेंट्स बनाए हुए हैं, चीजों का लिखा हुआ है। गाइस जिसको भी पता ना चले कि क्या क्या है, आप यहाँ पे आके रीड आउट कर सकते हो। चीकू डोंट टच इट, ये भी सारा वेस्ट चीज यूज किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये देखो मटेरियल यूज्ड। काफी अच्छी जगह है, मस्ट विजिटिंग प्लेस है ये, जो भी वेस्ट दिल्ली में रहते हैं उनको ज़रूर आना चाहिए। एंड यही था मेरे हस्बैंड का सरप्राइज। एंड हमें लेट भी हो रहा है, याद है हमें डॉक्टर के पास भी जाना है तो। एंड यहाँ पे सिटिंग एरिया भी मतलब हर जगह बनाया हुआ है, सो दैट जो भी मतलब ओल्ड है या बच्चे हैं या कोई भी है थक जाता है तो वो बैठ सकता है यहाँ पे। लेकिन हाँ यहाँ पर वही लोग आना जो ज़्यादा चल सकते हैं। चीकू आ जाओ ना, गाइस बुला रहे हैं आपको, फ्रेंड्स बुला रहे हैं, जल्दी आओ फ्रेंड्स बुला रहे हैं। सो वेरी नाइस, व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर? ओह नो टाइगर, चिकू से टाइगर।
सारी बिल्डिंग एक जैसी लग रही है। चीकू से चीज। ब्यूटीफुल। इसकी टी शर्ट ठीक कर दो पीछे से। सो गाइस दिस इज कोणार्क टेंपल। अभी सारा देख रहे हो सब वेस्टेज यूज किया गया है। चलो प्लांट्स बहुत सुंदर सुंदर है यहाँ पे। मैडम टच करके बैठी हुई है एलिफेंट के टीथ को। गार्ड मना कर रहा है, वो छोड़ ही नहीं रही है। सो दिस इज गोदा जी। आई होप गाइज आपको मेरी आवाज आ रही होगी बिकॉज मैंने मास्क वेयर करा हुआ है। एंड ये सब भी वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है। एंड देखो यहाँ पे गार्ड्स हर जगह पे हैं, सो दैट कोई भी कुछ भी टच ना करे, प्लांट्स एंड फ्लावर्स तोड़े ना। क्या अंदर क्या है, कुछ दिख रहा है? एक बारी जूम करके डर्ट। सीसीटीवी, आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं। नो 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 डोंट टच इट भैया, मारेंगे गार्ड भैया, मारेंगे आपको अगर आप टच करोगे। ये भी वेस्ट से ही बना हुआ है सारा। पर यार कितना अच्छा डिजाइन करा हुआ है ना, पत्ता भी नहीं चल रहा है, सब वेस्ट से बनाया हुआ है। ये भी सारा वेस्ट है। इन शॉर्ट यहाँ पे ये बताया गया है कि वेस्ट चीजों से भी कितनी अच्छी अच्छी चीजें बन सकती है। हाँ नेकलेस के उस पे, वेरी नाइस। तो ये है खजुराहो टेम्पल एंड इसमें जो मटेरियल यूज किया है वो है बिजली का पोल, क्लच डिस्क। चोकोबा इसको दिलाना बहुत जरूरी है। कॉटन कैंडी चाहिए, क्रीम खाओ, मैं कॉटन कैंडी खाऊंगी। ऑरेंज वाली नहीं, आपको तो चोकोबार पसंद है ना। नहीं इधर आओ, पहले आप इधर आ जाओ। इसमें पैसे हैं अंदर। हम लोग बाहर आ चुके हैं, हस्बैंड अभी लेने गए हैं कार पार्किंग एरिया से। एंड चिकू इधर आओ, कोई एंजॉय कर रही है अपनी आइसक्रीम, क्योंकि इसने पूरे रास्ते मतलब वहाँ जहाँ हम घूम रहे थे सारी जगह इसने आइसक्रीम आइसक्रीम बोल बोल के परेशान कर दिया। फाइनली आपको आइसक्रीम मिल गई? नहीं। एंड मैंने लिया अपने लिए कॉटन कैंडी, आप देख सकते हो इसमें
20 रुपीज की है ये, एंड 20 रुपीज इन्होंने वापस दे दी है। जो कह गाइस ये नकली नोट है, एंड इधर पापड़ लिए हैं बिकॉज थोड़ी भूख लगने लगी थी।